आपका कुकिंग विद आराध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, आप 5 मिनट के अंदर मिर्च का अचार खाना शुरू भी कर दोगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हो कि मेरा मिर्च का अचार कितना टेस्टी बन के रेडी हो गया है, लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल इंस्टेंट अचार है, आप साथ के साथ बना के और खाना भी इंजॉय कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मिर्ची अचार के लिए पहले मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया है। पैन में मैं, ये मेरे पास सौंफ है, मैं ये डाल देती हूँ सौंफ। हमें लो फ्लेम पे इस सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ साबुत जीरा। इससे क्या है, जो हमारे मिर्च का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इस जीरे को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। जो ये खड़े मसाले हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। मैं इसमें डाल देती हूँ राई, ये राई बड़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट में। इस राई में तेज पत्ता पड़ा है, अब मैं इस राई को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। लो फ्लेम पे रोस्ट करना है वरना हमारे जो मसाले हैं वो इनमें से जलने वाली स्मेल आने लगेगी। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ इन मसालों को। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 4 लौंग, मैं इन्हें भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे मसाले का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज हो गया है, बस हमें इसी तरीके का मसाला चाहिए। अब मैं गैस की फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसे थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके और मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी, बिल्कुल बारीक नहीं पीसूँगी वरना हमारा जो मिर्च वाला अचार है उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, मसाले खड़े अच्छे लगते हैं। मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके का पीसा है मैंने। अब मैं इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच डाली है हल्दी, 1 चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो ज़्यादा खट्टा तो बिल्कुल ना डालें, सिंपल बनाए बिल्कुल, पर मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, ये 6 से 7 कलियाँ हैं मोटी वाली, मैंने इसको कद्दूकस में कस लिया है। अब मैं इन्हें भी डाल देती हूँ इसके अंदर। मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, अब मैं इनको मिला देती हूँ पहले अच्छे से सबको इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मेथी पसंद है तो आप मेथी भी पीस के डाल सकते हैं, बट मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं मेथी मेरे बच्चे, इस वजह से मैं विदाउट मेथी अचार बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ख़ास बात यह है कि आप इसे तुरंत ही खाने लगोगे। मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। मेरे पास है ये 3 पाव हर मोटी वाली मिर्ची है, तो मैं इन्हें भर के नहीं बना रही हूँ, पर मैं जैसे ही बनाऊँगी बिल्कुल भरी हुई लगेंगी आपको ये। मैं क्या करूँगी, इसमें से बीच में से कट कर दूँगी मिर्ची को इस तरीके से। मैं सारी मिर्चियों में कट कर लेती हूँ पहले, मिर्ची को बिल्कुल साफ़ करके लें। मैंने इनको धो के अच्छे से सुखा के रखा है, मिर्ची को हमेशा सुखा के ही काम में लें ताकि जो इसके अंदर नमी होती है वो बिल्कुल ना रहे और हमारा अचार लाइक थोड़ा लॉन्ग चल सके। सारी मिर्ची कट कर ली है, मैंने आपको दिखाई थी मैंने इस तरीके से कट करी है सारी। अब जो मेरे पास ये मसाला है मैं सारा इसमें ये ऐड कर दूंगी। पहले मैंने सारा मसाला मिर्ची में ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला है, ये किचन किंग है, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको हाथों की सहायता से सारी मिर्ची में अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ इस मसाले को। ये अचार मैं आपको इंस्टेंट बता रही हूँ, बिल्कुल साथ के साथ खाने वाला,
बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से अचार। और ये अचार आपका 3-4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने सारी मिर्ची में मसाला अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने 200 ग्राम तेल डाला है, आप देख सकते हो, क्योंकि मिर्च के अचार में तेल बहुत ही ज़रूरी होता है। और तेल भी मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मेरे पास ये मिर्ची है मसाले वाली, अब मैं इस तेल के अंदर ये डाल देती हूँ। अब मैं इस तेल को इस मिर्ची के अंदर अच्छे से चला लेती हूँ इस तरीके से, और हमें लो फ्लेम पे अपनी मिर्ची को कम से कम 5 मिनट इसी तरीके से भूनना है। कोई ढकना वकना नहीं है, इसको बिल्कुल ओपन करके पकाना है, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ इसको, इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए इसको चलाते रहें। आप देख सकते हो मिर्ची कितनी मसाले वाली लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हमारा क्या होगा, आप सोच रहे हो पता नहीं क्यों इसे भूने जा रही है, ऐसे भूनने से क्या होगा, मिर्ची अभी गल जाएगी और आप इसे तुरंत ही खाना शुरू कर सकते हो। और जो हम कच्ची मिर्ची को भर के रख देते हैं उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं, अब इसमें क्या हमारी मिर्ची 2 से 3 मिनट में गल जाएगी और मसाला भी अच्छे से मिल जाएगा इसके अंदर, और हम इसे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी लाइफ में कोई कमी नहीं आएगी कि भाई जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्ची का अचार रेडी है और मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में और गैस की फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। मैंने मिर्ची अचार को बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है, लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा है मिर्च का इंस्टेंट अचार, ये जल्दी से बनके रेडी हो जाता है, इसे हम साथ के साथ एंजॉय कर सकते हैं और हम इसको 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से बना के इसको स्टोर कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। और मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।